नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी का। आपको बता दें कि खरगोन से जो इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस में घोटाले का मामला खरगोन से निकलकर सामने आया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, करोड़ों के घोटाले का मामला जो है वो निकलकर यहाँ पर सामने आया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 2 दर्जन से अधिक पीड़ित जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पीड़ितों ने प्रशासन पर कार्रवाई न करने के भी आरोप यहां पर लगाए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जो पीड़ित है उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि कार्रवाई जो है ठीक प्रकार से नहीं की गई है। तो आपको बता दें कि खरगोन से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, करोड़ों के घोटाले मामले पर नया मोड़ अब सामने आया है। तो वहीं अब आपको बता दें कि अधिकारियों पर भी ये बात कही जा रही है कि कार्रवाई जो है वो सही तरीके से नहीं की जा रही है। 2 दर्जन से अधिक पीड़ित जो है वो अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे और पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। तो पीड़ितों ने प्रशासन पर कार्रवाई न करने के आरोप भी यहां पर लगाए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, करोड़ों रुपए का एक घोटाला यहां पर बताया जा रहा है खरगोन से। इस वक्त का जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो सामने आ रही है कि करोड़ों के घोटाले का मामला जो है उसने यहां पर नया मोड़ ले लिया है। 2 दर्जन से अधिक पीड़ित जो है वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं और पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां पर उनके द्वारा की गई है और पीड़ितों ने प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस खबर पर अधिक जानकारी से सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, पूरा मामला क्या है, किस तरीके से घोटाला हुआ और किस तरीके से कार्रवाई जो है वो पीड़ितों के साथ नहीं हुई? जी अभिषेक, मैं बता दूं कि ये डाकघर का मामला, यहाँ पर करीब 10 करोड़ से अधिक के मामले में जो दो अभिकर्ता थे उनके द्वारा धोखाधड़ी करके उनका पैसा जमा नहीं किया गया था। उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद एक अभिकर्ता और बाकी जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसको लेके जो पीड़ित लोग हैं उनमें रोष देखा गया और उनके द्वारा आज SP ऑफिस में जाकर ज्ञापन दिया गया और उन्होंने यही मांग की कि जो तीसरे अभिकर्ता उसकी भी गिरफ्तारी की जाए और साथ ही हमारी जो राशि लाखों करोड़ों रुपए में वो राशि हम लोगों को वापस दिलाई जाए। जी, लेकिन राजेश, यहाँ पर आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से पूरा धोखाधड़ी जो मामला है वो किया गया, क्योंकि जिस तरीके से जो लगातार उपभोक्ता थे वो पोस्ट ऑफिस पहुंच रहे थे, अपने पैसे लेकर जमा करा रहे थे, लेकिन इसके बाद भी पैसे जमा नहीं हुए उनके खाते में, किस तरीके से? जिस तरीके से ये लोग RDFD करते थे, RDFD करवाने के लिए जब ये डाकघर जाते थे तो इनके जो अभिकर्ता होते थे ये उनसे पैसा ले लेते थे और पैसा डाकघर में जमा करने के बदले अपने ही खातों में पैसा डाल देते थे और जो पीड़ित है वो उन लोगों को लगता था कि उनका पैसा डाकघर में जमा हो चुका है, परंतु ये अभिकर्ता अपने ही खातों में जमा कर लेते थे। अभिषेक जी, नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।